पोहा का नाश्ता घर घर की कहानी है, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही सिंपल होने के बावजूद भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे हों या बड़े, सभी इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका पोहा बहुत ही सॉफ्ट और खिला खिला बनेगा। तो आइए सुपर टेस्टी पोहा बनाने की करते हैं रेसिपी स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए पोहा बनाते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पोहा लिया है। पोहा दो तरीके का आता है, एक पतले दाने का आता है, एक मोटे दाने का आता है। मैंने यहाँ पे मोटे दाने का पोहा लिया है 250 ग्राम। अब पोहा को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था और अब इसे दो पानी से वॉश कर लेंगे। पोहा बनाने से पहले आप पोहा को अच्छे से साफ कर लें और दो से तीन पानी से अच्छे से धो लें इसे। मैंने मोटे दाने का पोहा लिया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे 5 मिनट के लिए सोक करूंगी। अगर आप पतले दाने का पोहा लेते हैं तो आप उसे सिर्फ धो सकते हैं, उसे सोक नहीं करना है। मोटे दाने का पोहा लेते हैं तो आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे सोक करने के लिए रख दें। आइए, हम यहाँ पे कुछ सब्जियाँ चॉप करके रखा है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने मटर लिया है, 1 बड़े साइज का प्याज कट कर लिया है, 1 बड़े साइज का टमाटर, 1 आलू और आधा शिमला मिर्च, आधा गाजर चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च। आइए हम यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच का मैं ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को काफी अच्छे से गरम करना है जब तक उसमें से धुआं ना आ जाए। ऑयल गरम हो चुका है, ये देखिए काफी अच्छे से धुआं भी आ रहा है। अब हम इसमें फोरन डाल देंगे, जीरा और करी पत्ते का मैं फोरन डालूंगी। आप चाहो तो इसमें राई भी डाल सकते हो या आप सरसों भी डाल सकते हो। फोरन फ्राई होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। उसके बाद चॉप किया हुआ हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च और प्याज को काफी अच्छे से फ्राई करना है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए प्याज काफी अच्छे से हल्का ब्राउन हो चुका है फ्राई, बहुत ही अच्छे से मैंने प्याज को फ्राई किया है। प्याज आपका फ्राई करते हैं ना तो आपका मसाला काफी अच्छे से फ्राई हो जाता है और पोहा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर देते हैं। मसाला में हम यहाँ पे सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर डालने से पोहा का कलर बहुत ही अच्छा आता है तो आप हल्दी इसमें जरूर डालें। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आ जाता है पोहा में। हम 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमें मिर्च का ध्यान रखना है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला है, अगर आप ज़्यादा लाल मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। मसालों को काफी अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से मसालों को फ्राई करना है, इतने अच्छे से ही फ्राई करना है आपने भी। इस तरीके से अगर आप मसाला फ्राई करते हैं तो आपका पोहा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें चॉप किया हुआ आलू और मटर डाल देते हैं। अच्छे से मैंने आलू और मटर को मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1/2 कटोरी में पानी डाल दूंगी। पानी डालने से आलू और मटर काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा। हम इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आइए अब चेक कर लेते हैं ओपन करके आलू पका या नहीं। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से इसमें कलर आ रहा है, बहुत ही अच्छे से। अभी अच्छे से पका नहीं है मटर और आलू दोनों, हम वापस इसे ढक के रख देंगे। हम साथ में शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर देते हैं। हमने इसमें गाजर शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारी सब्जियां फ्राई होने के लिए हम इसे फिर से ढक के रख देंगे और पकने के लिए। तो आइए हम फिर से इसे चेक कर लेते हैं, आलू मटर को चेक कर लें पका है या नहीं। अभी नहीं पका है, थोड़ा सा और पकेगा, हम वापस इसे ढक के रख देंगे। आइए हम फिर से इसे चेक कर लेते हैं, चेक कर ले इसमें आलू और मटर पका है या नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से आलू और मटर दोनों पक चुका है और गाजर और शिमला मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पोहा ऐड कर देते हैं। पोहा जो हमने सोक करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे सब्जियों में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा को आप हल्के हाथों से ही मिक्स करें, इससे क्या होगा आपका ये टूटेगा नहीं और काफी सॉफ्ट और अच्छा बनेगा, खिला खिला सा। तो इस तरीके से मैंने पोहा को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि मसाला और सब्जी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, नमक भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए।
सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब्जी के अंदर पोहा अच्छे से मिक्स हो जाएगा वेजिटेबल्स के साथ। ये देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है पोहा, बिल्कुल भी चिपा चिपका चिपका सा नहीं है, बहुत अच्छा सा खिला खिला सा बना है। और इसका कलर भी कितना प्यारा आ रहा है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। पोहा मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें लास्ट में हरा धनिया है उससे मैं इसको हरा धनिया डाल देती हूँ। आप हरा धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने हरा धनिया डाल दिया था, अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ढकने से हरा धनिया का जो फ्लेवर है वो पोहा के अंदर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और फिर इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आइए देखिए पोहा कितना अच्छा बन के रेडी हो चुका है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो पोहा आपका बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही खिला खिला सा बनेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप ट्राई जरूर करना, अपना फीडबैक मुझसे जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अपने दोस्त में फैमिली में चैनल।